वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप ठीक होंगे। मैं आपके साथ करने लगी हूँ शेयर ईद का व्लॉग। तो काफ़ी टाइम से मैंने अपलोड करके रखा हुआ था लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो अपलोड करने का, और हमारा जो नेट था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम 3-4 दिन हो की हुई थी। तो साथ में मैंने बिल भी नहीं पे किया था, तो 2 दिन उसके लग गए पे होने में। तो चांद रात वाले दिन मुझे किसने गिफ्ट भेजा था, तो जिसने भेजा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा भेजा था, बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ें थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जो उन्होंने मेहंदी भेजी थी ना, मैंने वही मेहंदी लगवाई है अपने भाभी से। मेहंदी का कलर और डिज़ाइन वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो मैं फर्स्ट डे और सेकंड डे का व्लॉग शूट नहीं कर सकी, तो मैं यहाँ पर हम जा रहे थे घूमने के लिए, मेरी सिस्टर आई थी और उसके साथ हस्बैंड, तो हमने उनकी करनी थी दावत। तो ये जो ड्रेस है ना, मेरी भाभी ने सारा स्टिच किया है इस खूबसूरत, इसके अंदर जो बटन है ना वो बाहर से लिया था, जो उसके अंदर छोटी छोटी सी पत्तियाँ थी ना वो लैस से उतार कर ना उन्होंने ना बटन के अंदर ऐड करके सिलाई कर दी थी। और जो उन्होंने किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा था ना, तो वो मैंने जो नेकलेस था ना वो काफ़ी ज़्यादा उनकी चॉइस अच्छी थी, वो मैंने फिर उस दिन पहन लिया। और साथ में फिर हम चले गए घूमने के लिए, तो घूमने के लिए तो इतना नहीं गए कहीं पर, तो भाई ले गए थे रेस्टोरेंट में दुम्बा अलियास दुम्बा कढ़ाई वाले के पास। तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, पहले तो हम कभी नहीं आए थे। तो ये है ललियानी के पास, तो हम ज़्यादातर ना स्पाइसी ना या से ब्रोड्स वगैरह होटल वगैरह में जाते हैं उनका, क्योंकि खाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, देखते हैं आप आगे जाके उनका खाना कैसा होता है। तो माहौल तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था, डेकोरेशन और ना उन्होंने चारपाई वगैरह बिछाई थी और चेयर्स थी, बहुत अच्छा मतलब ने डेकोरेट किया हुआ था उन्होंने। तो लेकिन हमने बैठना था बाहर, तो मेल ज़्यादा थे इसलिए हम बाहर नहीं बैठ सकते, तो हमने रूम के अंदर चले गए। तो उनका रूम जब हम अंदर एंटर हुए तो बहुत प्यारा था और साफ़ सुथरा माहौल था, होटल वगैरह तो हमने देखा जब काफ़ी खूबसूरत था। तो लेकिन जब खाना आया ना, इतना खास खाना नहीं हमें लगा, जो हमने ना दुम्बा खाना आपके ना आगे शेयर करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी इंस्टा आईडी और टिकटॉक फेसबुक पेज को फॉलो करें। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर इनका सबका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लें। और फिर यहाँ पर ना बच्चों को वॉशरूम में लेगी, तो वो तंग कर रहे थे मुझे वॉशरूम आ रहा, तो मैंने यहाँ पर फिर बाहर में ना थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। तो ना यहाँ पर हमारा जो मेन्यू आ गया था, या फिर हमने उन्होंने सैलड दिया था, सलाद थी, रायता था, टिक्का था और कबाब था, टिक्का कबाब थे। और साथ में ना उन्होंने ना हमें दुम्बा कढ़ाई हमने साथ में ऑर्डर की थी, और साथ में पुलाव था, पुलाव जो था सिंपल सा था, उसमें कुछ ऐड नहीं किया था। तो जो कढ़ाई थी हमारी ना, वो उसमें से ना दुम्बे की ना काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, उन्होंने ना स्मेल ख़त्म ही नहीं की हुई थी। जो टिक्का और कबाब थे वो काफ़ी ज़्यादा मज़े के थे और इतने नरम थे, उनकी बोटी खुद ही उतरी जा रही थी। तो यहाँ से फिर हम घर वापस आ गए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें।